अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो बाबा जी से आपको पता है कि पिछले जो वीडियो थी उसमें ये सेकंड एपिसोड है, वो फर्स्ट एपिसोड थी। इसमें हम लोगों ने लिविंग रूम डिज़ार्ड बनाया था, किचन मेकर बनाया था, ठीक हो गया। उसमें हमने पूल बनाया था और उसके बाद ड्रैग रूम एक हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्रिजन बेडरूम। तो हमें यह टास्क मिला माशाल्लाह से, चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या सूरत हाल है। ओए होए होए होए, ये क्या सीन है बाबा, बड़ी जीवी। लेकिन यार आप अगर चीज़ देखिए आप विंडो से, बहुत खूबसूरत लग रहा है। डिस्ट्रैक्ट कर लिया हमने चीज़ें सारी, ठीक है। अब हम इसका लगाते हैं पहले फ्लोर। फ्लोर में हमें 2400 हमारी फ्लोर पे लगेंगे। इसको हम देखते हैं ज़रा अलग सी वाइब, खूबसूरत सा बनाते हैं। आपने इसका मिनी, आपने ब्लॉग इसका शुरू में, आपने वीडियो में, अगर आप दोबारा शुरू से देखते आ रहे हैं वीडियो, तो आपने देख लिया होगा कितना खूबसूरत बनना है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। माशाल्लाह वाइट कलर का इसका कॉम्बिनेशन आया है। इसको हम बनाते हैं, इसका हम नाम देते हैं जी लग्जरी रूम, ठीक हो गया। बेस्ट लग्जरी रूम इन द हाउस। तो विंडो हम लगा लेते हैं, विंडो वाइट ये लगाते हैं। ये ज़रा नहीं, ये ज़रा महल वाली लुक आ रही है, महल वाली। तो यहाँ पर हमारे डोर डोर हम देते हैं फैंसी, ज़रा इसको लुक देते हैं फैंसी लुक में। हमारे पास यही आ जाता है, वाइट नहीं आ रहा यार, ये तो आ रहा है मेरे पास क्रीम कलर आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। घबराना क्या क्या था, घबराना नहीं है, ब्राइट सब रेड कर देगा। तो चलिए बेड हम लगाते हैं वाइट में, बहुत प्यारी लुक आएगी वाइट के साथ, एक अलग वाइब आएगी। एंटी आसरी, ये क्या नाम है इनका, किसिस्तीना नाम है। और चेक करें जी बाबा जी, चेंगो मोल हो गया। तो जिसमें क्या आपको पता है कि यहाँ पे लगाते हैं हम नाइट स्टैंड, ठीक है। लैम्प शैम्प लगा रहे हैं, रात के टाइम हमें लाइट की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम लगाने जा रहे हैं कि डेस्क, ठीक हो गया। टेबल शेबल यहाँ पे कंप्यूटर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे तो हम पढ़ते कोई नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ठीक है। सामने लगाते हैं जी मिरर वगैरह, मिरर लगाते हैं ये वाला, ठीक है। ताज वगैरह, ठीक हो गया। हमारा लग्जरी तैयार हो गया। थोड़ा बहुत वॉल डेकोरेशन के लिए हमने पेंटिंग यहाँ पे लगा देते हैं। ये वाइट वाला ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा ये वाला, तो इसको करते हैं ओके। अंकल हंस रहे हैं थोड़े बहुत, ठीक है, इनको खुशी हो रही है। जहाँ पे लगाते हैं वॉल लाइट्स, लाइट्स ज़्यादा रोशनी नहीं होगी यार, ये तो रात को सोने नहीं होगा। चलो ठीक है, जो भी है दस्ती लगाते हैं। लाइट्स वगैरह हम लगा देते हैं, ठीक है। एंटी फरखंदा खुश हो गई है। मेमोरिया के लिए हम कबर्ड एक लगा देते हैं, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी लग रही है। ऐसे रियल लाइफ में होती, बहुत मज़ा आता। सामने लगाते हैं जी हमने पर्दे, पर्दे समझे नहीं समझा, तू समझा ना, तू नहीं समझा। पर्दे शर्दे लगाते हैं रात को, चलो कोई कपड़ा चप्पल होता है ज़रा बैठ से नजर ना, ठीक है। कारपेट हम लगा देते हैं यहाँ पे, कारपेट रग जिसको कहते हैं, रग वाइट कलर में लगाते हैं, बहुत प्यारा लगेगा ब्लैक। चलो ठीक हो गया, ब्लैक ही सही, कोई बात नहीं। उनके उनके कहते हैं रिकॉर्डिंग हमने लगाना पड़ेगा, जिसका ये कमरा है, हमारा कमरा थोड़ी है। तो बाबा जी यहाँ पे अभी हम लगाते हैं टेबल वगैरह, रखते हैं खाने पीने के, कुछ अशिया हम रख सकें, कुछ अपने काम की चीज़ें रख सकें, ठीक हो गया। हर कमरे में, हर किचन में एक टेबल आपको लाजमी चाहिए होता है, वाशरूम तक आपको टेबल चाहिए होता है। यहाँ पर लगाते हैं टेबल डेकोरेशन के लिए हमने लगा दिए एक अदद, हमने प्लांट लगा दिया। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर लगाने हैं चेयर, इन्होंने डिमांड की है चेयरों की, तो हम यहाँ पे दो एक चेयर्स लगाएंगे। चेयर्स ये वाली लगाएं, ये वाली बेस्ट अच्छी लग रही है, कतरीना खुश होगी। अच्छा ऊपर फनूस वगैरह हम लगाते हैं, फनूस ये लगाते हैं, ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, लग्जरी हो गया काम। यहाँ पे डेकोरेशन के हमने कुछ यहाँ पे चीज़ें लगाते हैं, ठीक है। दस्ती लगाते हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप भी थके ना, हम भी थके ना, हमें मिल गया ग्रेट जॉब। अगला मिशन करते हैं जी फार्म हाउस किचन, ठीक है। इसमें हमने किचन को डेकोरेट करना है, वो भी फार्म हाउस वाला किचन है, ठीक है। एम ही छोटा मोटा नहीं है, ओए होए बड़ी बुरी हालत है। ये सारों को पहले करते हैं डिस्ट्रॉय, नए तरीके से बनाएंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा इसका वाल पेपर हम लगा देते हैं वाइट, ये लगा वाइट, तो उसे डल कलर लगाते हैं वाइट बल्कि नीचे इसका डल लगाते हैं। माशाल्लाह से हमने फ्लोर लगा दिया इसका ब्लैक कलर में, ब्राउन से। सामने अब हमने विंडो लगानी है, विंडो भी हम लगा देते हैं जो खुल जाए, ये वाली ठीक है, सिंपल विंडो, ठीक है। किचन है बड़ा
कोई कमरा है जिसको हमने इतना डेकोरेट करना है। तो टेबल हमने लगा दिए खाने पीने के लिए, खाना खाने के लिए आप वहाँ बैठ सकते हैं, ठीक हो गया। सीट्स हम लगा देते हैं, सोफ़ा सीट लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे चेयर्स वगैरह नहीं लग सकती। सीट्स हमने लगा दी हैं और अभी बस एंटी खुश हो रही है, माशाल्लाह बड़ी बात है, चौकस मॉल है, ठीक है। हमने यहाँ पर लगा दी है कबर्ड्स वगैरह जिसमें आप अपना सामान सरेस किचन के हम रख सकें। साथ ही साथ आपको दिखाते जाएंगे यहाँ पे आइलैंड। वाह, ये आइलैंड है, नाम आइलैंड का दिया मैंने। इसका कॉम्बिनेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है आप मुझे कमेंट में लाजमी बता दें कि ये मैंने जो कबर्ड वाला है इसका ऊपर देखें टाइल मार्बल लगा है नीचे, ये ठीक है। हमने ऊपर कबर्ड लगा दिए हैं, वॉल कबर्ड भी हमने लगा दिया है, शेल्स वगैरह भी हम वाइट कलर के लगा देते हैं। साथ ही साथ हम चलते हैं स्टोव की तरफ, स्टोव में हम लोगों ने वाइट कलर में लगा दी जिसमें आपको ओवन समेत प्लस चूल्हा ओवन प्लस आपको मिनी फ्रिज मिल जाएगा जिसके साथ रेफ्रिजरेटर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर माशाल्लाह से दुकान डबल डोर है, सेंटर में आप चीज़ें रख सकते हैं, उसके बाद ड्रॉअर भी मिल जाता है आपको। सिंक हम लगा देते हैं वाइट कलर में, ये ठीक लग रहा है। सिंक लगाने के बाद हमें क्या बताते हैं जी के हम स्टॉल्स, ठीक है। स्टॉल्स हम लगा देते हैं ये वाली, ये लगाते हैं ये ब्लैक वाली, ठीक है। ज़रा डिफरेंट शेप आए ना, तो आप पहले चेक करें जी के बिफोर क्या था आफ्टर क्या था, ठीक हो गया। जेंगो मोला है, टच नहीं लेनी, ब्रेड सब रेड कर देगा। अब आ जाता है रेंज हुड, रेंज हुड में हम वाइट कलर में लगाते हैं, ये बॉक्स में लगाते हैं सेकंड वाला, बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अब हम चलते हैं जी अपने पैकेज की तरफ। पैकेज में हम यहाँ पे, यहाँ वो ठीक नहीं सब लोग, नहीं चलो ये ठीक है, थोड़ा डल कलर लगाया ना ताकि सामने हाथ लगते रहे गंदे ना हो, ये बड़ी अच्छी बात है, नाइस। मैं बड़ा खुश हुआ इसको देख के, इम्प्रेस हुआ माशाल्लाह। कुछ हमने डेकोरेशन के लिए कुछ कड़ी वगैरह वाल शाल हमने लगा दी है, केचप वगैरह रख दी है, ठीक है। डेकोरेशन के लिए यहाँ पे हम कुछ चाय वगैरह के लिए केतलियाँ छुरियाँ कांटे प्लेटें वगैरह गिलास विलास हम रख सकते हैं, ठीक है। मौसम बड़ा सुहाना हो गया माशाल्लाह, डेकोरेशन के लिए हमने यहाँ पे रख देते हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह फल वगैरह रख देते हैं, साथ आपको हैंड वॉश मिल जाएगा। सामने टेबल डेकोरेशन के लिए कुछ हम छोटे मिनी फ्लावर भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक वॉल पे वॉल आर्ट मिलेगा, ठीक है। जिस पैरों का निशान है एरो वाला, ये दे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, उधर दे उधर जाए उधर मुँह करें, ठीक है। माशाल्लाह जी ग्रेट ग्रुप। तो आज का हमारा टास्क यहीं तक था, ठीक है। अगला रहता है डाइनिंग रूम, इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वो बहुत लग्जरी बनाने लगूँ, ठीक है। ये आपको देख सकते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, डे सर दुआ में याद रखिएगा, इस तरह हम लग्जरी बनाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।